भाबो मैं कान पे करती हूँ। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी देर से नहीं उठूंगी। प्लीज भाबो मान जाइए ना, प्लीज आज मान जाइए। इस वादे के साथ साथ एक बात को और ध्यान रखिए भी नहीं, सूरज से उगने के बाद पलंग तोड़ने वाली और बिना नहाए धोए रसोई में घुसने वाली औरत गृह लक्ष्मी कभी ना बन सके। बाप बेटा अपनी अपनी कुर्सियां से उठोगा तो जाकर जल्दी से नहा लियो, नहीं तो मंदिर में देर हो जाएगी। तू क्या करे? जा ना जल्दी। पापा बंदे वालों मार रही हो सबके सामने। पढ़ लो बाबा। भरतार जी आपने के अलग से निमंत्रण दियो नहाने के लिए। अब जा रहा हूँ संतोष, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, तौलिया लेने जा रहा हूँ। अरे तू इतने धीरे धीरे हाथ क्यों चला रही है, जरा जोर लगा। ये दरियों का रंग कितना अच्छा है ना। सूरज जी वैसे आप भी कुछ कम रंग में नहीं लग रहे हैं धोती कुर्ते में। सच में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सूरज जी। तो आप कितनी अच्छी लगती है संध्या जी, भगवान करे आपके चेहरे की यह हंसी हमेशा बरकरार रहे। संध्या जी मैं मंदिर से लौटते ही भावों से आपकी पढ़ाई की बात जरूर करूंगा और संध्या जी आप परेशान ना हो, देखिए भाभू का दिल देखा था ना आपने, कैसे आपके कान पकड़ दिए, आपको माफ कर दिया, आपको दिल समझेगी वो। बस आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज से भाभू को किसी भी हालत में नाराज मत कीजिएगा। जी सूरज जी मैं ध्यान रखूंगी। अरे भाई विक्रम, मोहित, संतोष हम निकल रहे हैं। बाबा साहब तैयार हो गए संतोष।
कितने फूट रहे लग रहे हैं आप सूरज साहब। उसकी आंखें फूटे जो आप पे नजर लगाए। हाँ चतुरी, फूट रहे तो सभी लग रहे हैं, मोहित, बाबा साहब, जेठ जी, मगर सबसे अच्छी भाबो। ये बहुत ही अजीब सी चीज है, पैरों में फंस गई तो मैं तो मुंह के बल ही गिरूंगा। छोरा, पेंट और कमीज पहनकर अपने अपने बाबू समझ रहा है कि गांव में होता ना तो अब तक भेड़े हाक रहा होता इसी धोती में। सबने पैर रखी है धोती, किसी ने कोई तकलीफ ना है। तू कट्ठे को राजकुमार है के? कपड़े में कमी निकालने से पहले सलीके से चालना सीख ले। सूरज, ये कुर्ता पहले तो कभी ना देखा, ये कब खरीदा? बाबू ये वो उस दिन अंकुर जी ने दिया था बच्चे के हवन के समय। अच्छा, सासरे से आया है नया कुर्ता, तभी मैं कहूं इतने फूट रहे कैसे लग रहे हैं। कुरियर है सूरज राठी के नाम। मोहित जा, जाकर देख। जी बाबू। तुम्हें क्या हो गया, धोती तो संभाल। अरे बाबा साहब, अरे धोती संभाली नहीं जा रही, ये लुगाई कैसे संभालेगा इन फ्यूचर। तू अपनी लुगाई संभाल बस। सूरज राठी? नहीं नहीं। छोरा के है इसमें? भाबो ये सूरज भैया के खाते का एटीएम कार्ड है। राशन कार्ड सुना है, दूध का कार्ड सुना है, ये कौन सा कार्ड है? भाबो ये बैंक का कार्ड होता है। अब सूरज भैया को पैसे निकलवाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शहर में जो बैंक की जगह जगह मशीनें लगी होती है ना, इस कार्ड को उस मशीन में डाल के कभी भी पैसे निकलवा सकते हैं सूरज भैया। अरे हाँ, ऐसा ही कार्ड तो वो राजकुमार के पास भी तो था। खाली बैठे बैठे इंसानों ने चोचले सोचे, नहीं तो चाल के बैंक तक जाने में कौन सी परेशानी हो जावे है। जब ही तो देखो हर इंसान के पेट निकलते जा रहे हैं। छोरा, थारे भाई ने कार्ड दे दे। सूरज जा, जाकर रख दे इसे। लेकिन बाबू अभी हमें इस कार्ड की मतलब पैसे निकालने की क्या जरूरत है? छवि की शादी में काम आएंगे और भी आगे काम आएंगे, इसलिए ये कार्ड मैं अपने पास क्या करूंगा। ले तू अपने पास रख ले। ठीक है ले। तो भाबो हम लोग चलते हैं अभी। हाँ, निकलती बखत मैंने फोन जरूर कर दिए। और छोरा अठे टेम पर पूछ जाए, ब्राह्मणों के खाने की पूरी तैयारी करके रखूंगी, उन्हें जिमने की बाट ना दिखण दूंगी। और थे लोग आओगा ना तभी नारियल पधरा कर प्रसाद भी बनाना है। जी बाबू। अब बाबो ये इसके कागज संभाल। हाँ लिया लिया, जा छोरा। और हाँ मीना बीनड़ी। जी बाबू। ब्राह्मणों को देने के लिए कपड़े और दक्षिणा, ध्यान रहे बीनड़ी दक्षिणा में कोई कमी ना होनी चाहिए। जी बाबू। अभी दक्षिणा बीच में कहाँ से आ गई? Thank you.
भाबो, मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए एकदम अच्छे से। रे बेहनी, करने से पहले पूछ लेती ना तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो भाबो, ब्राह्मणों को भोजन करवाना ना, इसलिए मैंने ये सारे बर्तन धो दिए। हमारे यहाँ ब्राह्मणों को भोजन पत्तल धोने में जिमावे है। जा, जाकर निकाल दे। ठीक है बाबू, मैं जल्दी से उन्हें निकाल कर साफ कर देती हूँ। रे मारा राम जी, अच्छी बहू बनाई है हमारे लिए। रे दोना पत्तल ने भी कोई साफ करे है के? रे बीनी, आज तने क्यों हो गया है? तू तो ऐसे घबरा रही है जैसे ब्राह्मण के भोज में अगर कोई गलती होगी ना तो तने श्राप दे देंगे ब्राह्मण। अगर जे ये सब अच्छा हो गया तो वरदान मिल जाएगा कटे से। बीनी, ब्राह्मणों का आशीर्वाद तो सदा माथे पर बना रहे। जा, जाकर पत्तल दोना निकाल दे, काल मैंने तैयार कर रखा था। रे बीनड़ी, मोरे मोथे। मारे पल्ले पड़े हैं सब। यजमान, आंखें बंद करके हाथ जोड़ के अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए। कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा फलता है। हे भगवान, बस आज मैं आपसे यही मांगता हूं कि संध्य जी को दिया हुआ वादा मैं निभा पाऊं, भाबों को समझा पाऊं कि संध्या जी का सपना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इससे राठी परिवार का मान घटेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा। हरा धनिया में डाल देती हूँ। भगवान करे आज भाबों का मन सही रहे। सूरज जी जब आज मेरी पढ़ाई की बात करे तो भाबो नाराज ना हो जाए। सब्जी, खीर, पूड़ी और पुलाव, हाँ सब तैयार है। पीनड़ी ला, धनिया दे, मैं सब्जी में डाल देती हूँ। लीजिए बाबू। के है पीनड़ी? कटा हुआ हरा थारे मैके में इसे धनिया कहते होंगे, बाकी दुनिया में इसे सुआ कहते हैं, सुआ। अगर थारे भरोसे धनिया समझकर मैं सब्जी में गेर देती ना तो सारी सब्जी दोबारा बनानी पड़ती। अरे तुम लोगों ने काम बताने से तो अच्छा है सारा काम अपने हाथ से कर। धन्य है, धन्य है भी नहीं सा हमारी किस्मत। राम जी न जाने लोगों की जिंदगी कहां गुजरे। बाकी सब तो तैयारी हो चुकी है। चावल तो मैं सूरज का फोन आएगा जब चढ़ाऊंगी। और हां बीन, याद रखना सूरज और विक्रम आ जाए ना तो सबसे पहले नारियल फोड़कर प्रसाद के लिए चिटकनियां निकलवा लूंगी। जी भाबो। भाबो, भाबो भैया का फोन आया था, वो ये कह रहे थे कि वो निकल चुके हैं ब्राह्मणों को लेके। हिमारा राम जी, तब तो 15 मिनट में वो अठे पहुंच ही जाएंगे। मैं एक काम करूं,
मैं चावल चढ़ा देती हूँ। बेनड़ी, मैं साड़ी बदलकर मंदिर में हाथ जोड़ाती हूँ। तब तक चावल संभाल तो सके है ना तू? इतना तो कर ले विगी ना? जी बाबू। ठीक है, हे मारा राम जी। पचास रख दूं? नहीं नहीं मीना, पूजा पाठ के मामले में कंजूसी को नहीं कर, पता चले श्राप दे गए। नहीं नहीं नहीं, 100 रुपए ही रखती हूँ, 100 रुपए ही रखती हूँ। भगवान जाने किसने ये रीत चलाई है कि दान दक्षिणा में पीसा भी देने पड़ेंगे। अरे पीसे, मारे पीसे। ये क्या है? दिव्य शक्ति। दिव्य शक्ति घर बैठने से नहीं, मिलने से दूर होगा। कष्ट समस्याओं से तुरंत समाधान। अब निराश ना होए, बस मन चाही संतान पाए। बस मन चाहे संतान पाए। ये मेरे किस काम का? मारे को तो बेटा ही होगा। अरे वाह, जलेबी? हाँ, इन्होंने भी जलेबी वाली कटोरी ही निकाली थी। लिए घूम रही हूँ, बेटे का आशीर्वाद या अरे क्या हो गया? पानी इतना पड़ेगा मारे को। अरे चावल तो बन गए हैं। ब्राह्मण भोज के बाद प्रसाद की भी जरूरत होगी। मैं नारियल तोड़कर प्रसाद बना देती हूँ। बावली हो गई है मीनूड़ी। लगता है जेठानी जी जानती कोनी कि नारियल आदमी ही फोड़े है। फोड़ते कोनी? अरे फोड़ रही है नारियल तो फोड़ने देना, भावो आकर इनका ही माथा फोड़ेंगी। बड़ा ही शुभ काम करने जा रही है जेठानी जी आप। करिए करिए। Thank you.
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।